उस से 3 दिन के बाद लिंक डायरेक्टली ऐप पे ही रहेगी और ऐप से ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी ऐप से ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और जो भी नोट्स है वो पूरे पूरे नोट्स ऐप पे ही रहेगी, ऐसे समझ लो सर अभी। बोला कौन सा ऐप है सर? अपना अकेडमी सा ऐप है, सीट अकेडमी अच्छा सा। सर, मी लिंक सेंड के लिए लिया ना, डाउनलोड सीट अकेडमी ऐप मनोन ग्रुप वर। ओके सर, ओके। ओके, सो आप वहां से डाउनलोड कर लो ऐप। ऐप डाउनलोड करके ऐप पे ही पूरा का पूरा रहेगा मटेरियल भी, बैच वाइज। मैं बैच में ऐड करूंगा, ऐड करने के लिए 1 दिन तो भी आप मुझे देना, यानी विद इन द मैं आवर्स में भी कर सकता या फिर 1 डे में भी कर सकता। जब मैं देखूंगा तब मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। आप जैसे मैं बैच में ऐड मैंने आपको कर दिया, उसी के बाद आपको सब कुछ दिखना, शेड्यूल वगैरह सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। ओके, इरिगेशन का जो भी नोट्स है यानी यूनिवर्सिटी नोट्स है वो वहां पे मैंने डाला है, यानी आपको एक शेड्यूल फॉर्म में मिलेगा कि पूरे पूरे नोट्स आपको एक शेड्यूल फॉर्म में मिल जाएंगे कि कौन से नोट्स कौन से है करके। जैसे कि SA3 के मैं प्रैक्टिस नोट्स भी वहां पे डालूंगा, अपने RCC की भी प्रैक्टिस नोट्स मैं डायरेक्टली वहां पे डालूंगा, यानी आपको वहां पे एक मिल जाएंगे। आपको कई अपने इस पे व्हाट्सएप पे जाके देखने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे है करके नोट्स, हर बार आप डायरेक्टली वहां पे गए बैच में आपके, तो आपको नोट्स मटेरियल मिल जाएगा। ओके, वो एक सिस्टमेटिक वे हो गया अभी ऐप की वजह से। ओके ओके गाइस, सो अभी देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, कटर्स इक्वेशन तक देख लिया था हमने, है ना। नेक्स्ट कटर इक्वेशन तक देख लिया था और हमने देखा था केनेडीज थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी इट इज गटर्स, सॉरी गैरेट्स, गैरेट्स ग्राफिकल सेकंड इट इज इक्वल टू। गैरेट्स दैट इज नथिंग बट अ ग्राफिकल, डिजाइन मेथड ऑफ अनलाइंड कैनल, ऑफ अनलाइंड कैनल, ऑफ अनलाइंड कैनल। ओके, देखो गाइस बस थोड़ी थेरी है इसमें। ओके, इट इज द ग्राफ ड्रॉन विथ, इट इज द ग्राफ ड्रॉन विथ, ओके इट इज द ग्राफ ड्रॉन विथ द हेल्प ऑफ केनेडीज इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ केनेडीज इक्वेशन। केनेडीज इक्वेशन को ही पकड़ के ग्राफ ड्रॉन इसमें होता है। ओके, इट इज द ग्राफ ड्रॉन विथ विथ द हेल्प ऑफ केनेडीज इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ केनेडीज इक्वेशन। ओके, विद द हेल्प ऑफ केनेडीज इक्वेशन डिस्चार्ज ऑन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, डिस्चार्ज ऑन एक्स एक्सिस डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन वाई एक्सिस। डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन वाई एक्सिस एंड डिफरेंट बी बाय डी वैल्यू ऑन द थर्ड एक्सिस। थर्ड एक्सिस, अब तीसरी एक्सिस बी बाय डी वैल्यू थर्ड एक्सिस, वो भी बता था वो थर्ड एक्सिस क्या है। फॉर द गिवन डिस्चार्ज, गिवन डिस्चार्ज एंड बी बाय डी विड्थ बाय डेप्थ वैल्यू बाय ड्रॉइंग बाय ड्रॉइंग द प्रोजेक्शन प्रोजेक्शंस डेप्थ ऑफ द फ्लो, डेप्थ ऑफ द फ्लो डी कैन बी ऑब्टेन्ड, डी कैन बी
ऑब्टेंड, ओके, डेप्थ फ्लो आपको मिल जाएगा फ्रॉम बी बाय डी रेशो बेड विड्थ बी अल्सो ऑब्टेंड, बेड विड्थ बी अल्सो ऑब्टेंड. We also obtained. Next, as the base is Kennedy's theory, Kennedy's theory. Drawback of Kennedy's theory hold good. Drawback of Kennedy's theory hold good or valid. For Garrett's design also. Garrett's design also. Therefore, this method also has limited validity. लिमिटेड वैलिडिटी. आप बोलेंगे सर इसका गेट में काम क्या है? कुछ भी काम नहीं है, सीरियसली कुछ भी काम नहीं है. जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बी बाय डी. बी बाय डी that is 3.5, that is 4.5, and b by d it is equals to 5. Okay, here is discharge, here is depth d. Okay, depth of flow, d is nothing but a depth of flow. अपन लिखा, हमने लिखा है नहीं तो आप बोलेंगे why it is in open channel flow. Okay, so depth of flow is d. Example b by d it is equals to 2.85, discharge is equals to 30. So what is D? आपको इससे निकालना पड़ेगा. फिर डिस्चार्ज इक्वल्स टू 30 देखे, डिस्चार्ज एक 30 देखे तो उसके लिए आपको एक D निकालना है. D बाय 2 आपको 2.5 देखे, एंड 2.5 यानी किसके बीच में देखे, इधर इधर चले गया तो आपको एक D देखे रहेगा, D के वैल्यूज देखे रहेंगे. तो आप यहाँ से D निकाल सकते हैं एक ग्राफ से, और आप D बाय B भी निकाल सकते हैं. डी बाई वी तो आपका 2.5 ही है ना,
आपको देखिए, ओके, और जो भी आपका ये निकलेगा, एस निकलेगा, स्लोप निकलेगा, वो स्लोप भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, स्लोप भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह की ये थ्योरी है। जस्ट आपको ये समझ रहा है ये थ्योरी में कि ये ग्राफिकल है, एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा, एक्स एक्सिस पे मेरा डिस्चार्ज है, वाई एक्सिस पे मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो है। ओके, वाई एक्सिस मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो है, और डिफरेंट एक्सिस जो है थर्ड एक्सिस पे मेरा डी बाय बी की वैल्यूज है, डी बाय बी की वैल्यूज है। बस इतना ही आपको याद रखना है, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड थर्ड इट इज लेसिस थ्योरी, दैट इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर गेट लेसिस रिजीम थ्योरी। लेसिस रिज्यूम थ्योरी, ओके, लेसिस रिज्यूम थ्योरी, एजम्पशन, एजम्पशंस, फर्स्ट फर्स्ट इनकोहेजन, इनकोहरेंट, अल्लुवियल, अल्लुवियल सॉइल, इनकोहेरेंट अल्लुवियल सॉइल, अल्लुवियल सॉइल, रिवर में पाने जाने वाली सॉइल। इनकोहेरेंट इज नथिंग बट इन इन कोहेजन, कोहेजन उसमें नहीं रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ सिल्ट, दैट इज नथिंग बट अ सिल्ट। डिस्चार्ज क्यू इट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्यू कॉन्स्टेंट है। ओके, थर्ड स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो है एंड यूनिफॉर्म है, रेनॉल्ड नंबर्स लेस देन 500, नॉट ग्रेटर देन 500। ओके, फॉर दिस अजम्पशन। नेक्स्ट फोर्थ, सेल ग्रेड कॉन्स्टेंट, सेल ग्रेड कॉन्स्टेंट, ओके, एंड सेल चार्ज अल्सो कॉन्स्टेंट, सेल्ट चार्ज कॉन्स्टेंट। सेल्ट चार्ज भी हम अपने पहले डिस्कस किया था, ओपन चैनल एंड सॉरी ये इसके लिए कैनल के लिए, डिजाइन ऑफ कैनल के लिए। तो सेल्ट चार्ज एंड सेल्ट ग्रेड बोथ आर कॉन्स्टेंट, ये किसने डिस्कस किया है? ये केनेडीज ने डिस्कस किया है, सॉरी लेसिस ने डिस्कस किया, केनेडीज ने डिस्कस नहीं किया है, केनेडीज ने इसके बारे में, इन दोनों फैक्टर के बारे में डिस्कस नहीं किया है, इवन दो यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में भी डिस्कस नहीं किया है। ओके, okay. ओके गाइस, सो फर्स्ट इनिशियल रेजिम कास्टिंग होने के बाद वाला, इनिशियल रेजिम शेप भी बोल सकते हैं और इनिशियल रेजिम बोल सकते हैं।
initial resume, that is first A, just like this, just like this. यहाँ पे क्या आ रहा, सेल्टिंग हो ओके, हो ओके द डेप्थ दैट इज वाटर लेवल, सेल्टिंग अलग अलग लेवल पे अलग अलग होगी. सो यहाँ पे कुछ आपका डी है, तो ये आपका कुछ डी है, तो ऐसे सेल्टिंग हो गए. ये इनिशियली मेरा इस तरह का दिखेगा, क्या दिखेगा, चैनल दिखेगा. ओके, चैनल दिखेगा. बाद में क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद, यानी कुछ देर के बाद, इनिशियल हो जाने के बाद, वन बी एक तो यहाँ पे सेल्टिंग होगा ऐसे अपन सोचेंगे, या फिर यहाँ पे सेल्टिंग इस तरह भी हो सकता और इरोजन भी हो सकता. यहाँ पे भी मैं सेम थिंग, इट इज अप्लाई ऑन द बॉटम ऑल्सो, सेम थिंग इज द अप्लाई ऑन द बॉटम ऑल्सो. यानी क्या हो सकता कि एक तो स्कोरिंग हो सकता, स्कोरिंग होगा तो ये डेप्थ नीचे नीचे चले जाएंगे, डेप्थ नीचे नीचे चले जाएगी, और सिल्टिंग होगा तो डेप्थ ऊपर ऊपर चल जाएगी, यानी डेप्थ बढ़ेगी. दोनों में से कोई भी एक चीज इनिशियली रिज्यूम के चैनल में, इनिशियली मेरा ये शेप रहेगा, और बाद में जब मेरा सेटल डाउन होना चालू होगा या फिर स्कोरिंग होना चालू होगा, तब इस तरह का कुछ ना कुछ चैनल मेरा चेंज करेगा. एक तो मेरा डेप्थ के लिए चेंज करेगा, या फिर डेप्थ मैंने कॉन्स्टेंट किया तो मेरा साइड्स चेंज करेंगे. Got it? आप बोलेंगे सर दोनों एक साथ चेंज नहीं हो सकते क्या? हो सकते भाई, हो सकते, लेकिन पहले एक एक तो पकड़ लो. यानी पहले अगर उसने ये शेप चेंज, यानी नीचे के जो बेड स्लोप है, यानी बेड जो है वो बेड उसने क्या कर लिया कि सिल्टिंग आ गया, सिल्टिंग होने के कारण बेड क्या हो गया, बेड की हाइट बढ़ गई. ओके, तो बेड पे सिल्टिंग हो गया, सिल्टिंग हो गया यानी सिल्ट आके वहां पे उसने घर बना लिया. ओके, तो इस तरह के लेयर्स उसको दिखेंगे, या फिर वहां का सिल्ट बह के दूसरी जगह चले गया, वहां का सिल्ट बह के दूसरी जगह चले गया, तब क्या हो जाएगा, डी सिल्टिंग बोलेंगे उसको. डी सिल्टिंग इज नथिंग बट अ स्कोरिंग. ओके, तो स्कोरिंग हो जाएगा. ओके, स्कोरिंग हो जाएगा. ये दोनों में से कुछ तो भी एक हो सकता. एंड जो भी अपने ये रहेगी क्रॉस लोब्स, क्रॉस लोब्स में एक तो सिल्टिंग हो सकता, या फिर आपके जो रहते इंक्लाइंड दैट इंक्लाइंड साइड्स, तो इंक्लाइंड साइड्स आपके स्कोरिंग भी हो सकते, स्कोरिंग हो गए तो इस तरह होगी. ओके, तो ये दोनों चीजें हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है. अगर ये इस तरह रहेगा फॉर इक्विलिब्रियम, देन QS in, it is equals to QS out. जो भी डिस्चार्ज इन आएगा वो डिस्चार्ज आउट भी होगा उतना ही. ओके, सो D इज फिक्स. D इज फिक्स्ड. अब यहां पे क्या हो रहा, यहाँ पे ये आप बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा, सेल्टिंग, ये क्या हो रहा, स्कोरिंग. ऊपर भी आप लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज नथिंग बट अ सेल्टिंग, दैट इज नथिंग बट अ स्कोरिंग, स्कोरिंग इज नथिंग बट अ डी सेल्टिंग. ओके, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे डी इज फिक्स,
एक डी इज फिक्स रहेगा कुछ तो भी, एक तो सिल्टिंग होगा या फिर ये होगा, और यहाँ पे बी इज फिक्स, बी फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम बी इज फिक्स्ड। अब आप बोलेंगे सर बी इज फिक्स्ड यानी एक तो ये भी रह सकता या फिर ये भी रह सकता, कोई तो भी एक बी रहेगा, तो बी इज फिक्स आपको एक करके इक्विलिब्रियम के लिए आपको करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक तो ये सिल्टिंग हो गया, तो सिल्टिंग हो गया तो ये एक डी रह सकता या फिर ये एक डी रह सकता या फिर ये एक डी रह सकता, तो डी आपको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक बी फिक्स करना पड़ेगा, ये बी रह सकता या फिर ये भी बी रह सकता। ओके, इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन, इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि कितना सिल्टिंग इस साइड में हो रहा है, इस साइड में हो रहा, और आपकी विड्थ कितनी हो रही, फिर तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आफ्टर द एक्चुअल कंडीशन। आफ्टर द एक्चुअल कंडीशन आप डिसाइड करोगे कि देख के हाँ इतनी विड्थ रहेगी अभी, तो इतनी विड्थ आपको फिक्स करना पड़ेगा। ओके, डेप्थ इज वेरिएबल नाउ। ओके, सो ये कब होगा, इनिशियली होगा, इनिशियली होना चालू हो जाएगा, देन फाइनल। फाइनल रिजिम यानी एक आपका मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बन जाएगा अपने आप। ओके, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बन जाएगा, दैट इज अ वर्जिन चैनल, जो ना अभी चेंज होगा कुछ ना कुछ, ना उसमें सिल्टिंग होगा ना उसमें स्कोरिंग होगा। ओके, ना सिल्टिंग होगा ना स्कोरिंग होगा, फाइनल बन जाएगा। तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, वहां पे बन जाएगा बी डी। हाँ बोलो एनएस। इकोनॉमिकल होगा, दैट इज अनलाइन चैनल, वो अपना खुद से खुद कर रहा है, खुद ही पेरीमीटर जितना उसको लग रहा है उतना बना रहा है, जहां पे सिल्ट जरूरत है वहां पे खुद ही जाके वो पहुंचा रहा है, दैट इज इकोनॉमिकल चैनल, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। ओके, आप बोलेंगे अन इकोनॉमिकल क्यों बोलेंगे, यानी क्या थिंग्स है कि अन इकोनॉमिकल होने को ना, सामने बनाया उसको ट्रैपेज़ॉइडल था ये सोच के कि ऐसा ही रहना चाहिए क्योंकि हमने इसको बनाया है, लेकिन उसने खुद ने आपका अपना शेप फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद उसमें मिनिमम वाटर भी जा रहा है, मिनिमम डेप्थ का भी वाटर फ्लो हो रहा है और मैक्सिमम डेप्थ का भी वाटर फ्लो हो रहा है। हमने जो बनाया था उसमें मिनिमम डेप्थ का भी फ्लो हो रहा था, लेकिन वो जो खुद का जब शेप ये करेगा फाइंड करेगा, तब वो नेचुरली जो फ्लो पे फ्लो होने को होना वो फ्लो पे फ्लो होगा और आपको एक मैक्सिमम इफिशियंट मिलेगा। That's why maximum of canals, it's unlined canal. It's unlined canal. Okay. तो वो खुद का शेप खुद बनाता है, और एक रिजिम चैनल जो फाइनल रिजिम जो बनता है, वो फाइनल रिजिम में बेड स्लोप डी और उसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है बी डी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ये कॉन्स्टेंट रहता है, ये कॉन्स्टेंट उसका बन जाता है। ओके, ये फिक्स्ड बन जाता है, इज नथिंग बट अ फिक्स। नेक्स्ट उसको थर्ड ट्रू रिजिम चेक फॉर वैलिडिटी एंड एजम्पशंस। वैलिडिटी ऑफ assumptions, जो भी assumptions है अभी, इसके validity के लिए true regime आपको बोला जाता है, that is imaginary term. Okay, generally दो ही terms रहते हैं, initial and final. Next formulas, we have the derivation of this formulas, but हम नहीं लेंगे। Thank you.
ओके, सो फॉर्मूलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट सेल्ट फैक्टर, दैट इज ये पूरे फॉर्मूलेज आपके बुकलेट में देखे हैं, प्लीज आप बुकलेट से भी देख सकते हैं. 1.76 अंडर रूट ऑफ d50. अब d50 है ना, डी एवरेज, एवरेज डेप्थ, एवरेज डेप्थ, एवरेज डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, व्हाट इज आर, व्हाट इज आर, हाइड्रोलिक मेन डेप्थ, यस मेन डेप्थ, that is nothing but a r. r it is equals to 2.5 v square upon g, v square upon f, that f. longitudinal slope or velocity, theek hai pehle velocity likh lete hain. velocity of flow Qf square divided by 140 raised to the power 1/6. 4. Longitudinal slope f of 2/3, f of 5th 5/3 to the 3340 q square of 1/6. We can say also, or that is nothing but a s, f of 3/2 4980 under root of 3. बट जनरली हम ये यूज करते हैं. देन नेक्स्ट इट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर पी इट इज इक्वल्स टू 4.75 अंडर रूट ऑफ डिस्चार्ज क्यू. ओके, देन सिक्स्थ, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये नॉट यूज. ओके, लेसीज रिजीम स्कोर डेप्थ that is RL. q square divided by f 1/3, that q it is nothing but q by b, intensity of flow, meter square per second. ओके, क्यू इट इज डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, डिवाइड बाय बी कर दो तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा. ओके, दीज आर द फॉर्मूलास. अब आप बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं. ओके, मैं तब तक अभी लेता डायरेक्टली. वी गो टू द गाइस यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, डिजाइन क्वेश्चंस. क्या आपको ये दिख रहा है लेसीज, या बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है ना? ठीक है,
देखो एक मिनट आ, आपको अपने इस पे जो अपनी बैचेस है, बैचेस पे फाइनल ईयर के बैच पे स्टडी मटेरियल पे आप जाओगे तो आपको इरिगेशन की इस तरह नोट्स दिखेंगे। ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको कहा स्टडी मटेरियल पे जाना पड़ेगा। ओके, स्टडी मटेरियल पे इरिगेशन के इस पे। अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है भाई, असाइनमेंट असाइनमेंट सब कुछ दे सकते हैं। अभी तक मैंने कुछ लिया नहीं है तो हम बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट। चैप्टर 1 है यहाँ पे डायरेक्टली, डिजाइन ऑफ कैनल्स। सो डिजाइन ऑफ कैनल, अनलाइन कैनल, लेसिस थ्योरी। लेसिस थ्योरी के लिए लेसिस सेल फैक्टर एफ इट इज इक्वल टू, अभी देखा अपन ने फॉर्मूला दैट एम इट इज नथिंग बट अ पार्टिकल, दैट एम एम देखे है हमने, क्या लिया है यहाँ पे D50, दैट एम इट इज नथिंग बट अ D50 साइज। ओके, D50 साइज। सो इफ एफ इज नॉट गिवन एंड ऑल्सो एम इज नॉट गिवन, देन टेक एफ इट इज इक्वल टू 1। वी का फॉर्मूला भी देखे है, देन ए इट इज इक्वल टू क्यू बाय वी। ओके, देन वॉट इज द एरिया बी इंटू डी प्लस जेड इंटू डी स्क्वायर, या फिर आप बी प्लस जेड इंटू डी ये आप लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कैसी, तो ये फॉर्मूला गाइज आप डिराइव कर सकते हैं। क्या मैं करके दूं आपको, ओपन चैनल फ्लो में हमने किया है गाइज, लेकिन आपको अगेन करके हो ना तो मैं करके दे सकता दिस फॉर्मूला। नहीं सर, FM2 में पढ़ा है। FM2 में भी पढ़ा है। यस एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं, ओपन चैनल फ्लो में आपने पढ़ा है। इफ जेड इज इक्वल टू 0.5 ऑलवेज, ऑलवेज जेड इज इक्वल टू 0.5 ऑलवेज, अगर देखे रहा तो ठीक है, नहीं देखे रहा तो 0.5 ही लेना है। ओके, जेड इज इक्वल टू 0.5 अगर आपने ले लिया तो बी प्लस 0.5 डी इंटू डी हो जाता। ओके, देन पेरीमीटर इज इक्वल टू 4.75 अंडर रूट ऑफ क्यू। पेरिमीटर इज इक्वल टू बी प्लस, ये इज इक्वल टू है, यहाँ पे इज इक्वल टू गायब हो गया है, लेकिन आपका इज इक्वल टू है वहां पे। ओके, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू है। देन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर, इट इज इक्वल टू ए बाय पी, इट्स नथिंग बट 5/2, 5/2 वी स्क्वायर अपॉन 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ, ये अंडर रूट नहीं है, ये वी स्क्वायर है। ओके, और बोला है यहाँ पे और। सो व्हाट इज एस नाउ, एस इट रिक्वेस्ट विद दिस फॉर्मूला। अभी अभी मैंने बोला दूसरा फॉर्मूला एस के लिए लिखा है कि यहाँ पे, अरे है ही नहीं लिखा तो काई के लिए फालतू अपन यूज करेंगे दूसरा वाला फॉर्मूला, दिमाग का दही करने का, फालतू नहीं करने का। एस इट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर 3/2, ये हम यूज ही नहीं करते, नहीं करना है मुझे यूज, ठीक है। सो गाइज इस तरह का क्वेश्चन रहता है, मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा, एक क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे, ठीक है। आप पहले समझ लो कि क्वेश्चन किस तरह है। ये इसमें इसमें ये पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा 88 पेज का पूरा आपका सिलेबस ही मिल जाता, टोटल सिलेबस, टोटल इरिगेशन सिलेबस। थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि नोट्स बहुत ही ये हो गए थे, यानी क्या हो गए थे आपके, बहुत ही कमजोर हो गए थे, बराबर नहीं निकल रहे थे फोटोज। ओके, फोटोज ही बराबर नहीं निकल रहे थे, दैट्स वाई ये ऐसी हुआ है। ओके सॉरी। सो अभी यहाँ पे देखते हैं पहला प्रॉब्लम, डिटरमाइन द डायमेंशंस एंड ऑल्सो डिजाइन डिजाइन एंड डिजाइन डिस्चार्ज फॉर फॉर अनलाइन कैनल हैविंग रिज्यूम स्लोप, रिज्यूम स्लोप, रिज्यूम स्लोप यानी एस दे के आपको 1 in 5000। लेसिस थेरी, लेसिस थेरी के इसके आपको यूज करना है, यूज लेसिस थेरी विथ मीन पार्टिकल साइज, मीन पार्टिकल साइज है ना D50 साइज, मीन पार्टिकल है ना एवरेज। ओके, D50 साइज। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू है D50, यानी क्या पकड़ा है, m इज इक्वल टू पकड़ा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे m इज इक्वल टू पकड़ा है, आप यहाँ पे D50 लिख सकते हैं हमको। 0.3 mm
0.3 mm दिया है आपको, बी निकालना है आपको, डी निकालना है आपको, क्यू निकालना है। एस इज इक्वल टू अभी आपका कितना है 1/5000। मैं फिर से यहाँ पे आपको रिपीट कर देता, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखे, एस देखे है एंड डी देखे है, डी 50 देखे है, बाकी कुछ देखिए क्या गाइस, आपको बी निकालना है, डी निकालना है, डिस्चार्ज भी निकालना है, डिस्चार्ज भी देखे नहीं है, डिजाइन डिस्चार्ज भी निकालना है। इसीलिए मोस्ट इकोनॉमिकल क्यों बोला जाता है, क्यों इसको ये किया जाता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज भी अपना खुद का खुद ही लेता है। ओके इसका इसमें कुछ भी ये नहीं है, यानी जो अपन ने बना दिया, बनाने के बाद वो खुद ही अपना शेप खुद ही ये कर लेता है, यानी क्या कर लेता, बना लेता। ओके लेकिन बस उसके लिए उसका जो सॉइल पैरामीटर्स है वो बराबर होना, अल्लुवियल सॉइल होना। अगर इफ इट इज नॉट अल्लुवियल सॉइल देन नेचुरल चैनल आप लेसिस थ्योरी से सॉल्व नहीं कर सकते। ओके सो वो फिर आपका मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल नहीं बन सकता। ओके सो लेसिस थ्योरी, सिल्ट फैक्टर, सबसे पहले सिल्ट फैक्टर निकाल लिया, देन बेड स्लोप निकाल लिया। अब बोलेंगे सर बेड स्लोप, अरे बेड स्लोप तो आपको पता है गाइस, वहां से डिस्चार्ज निकाला सर, बेड स्लोप इज गिवन ना, बेड स्लोप इज गिवन, और बेड स्लोप का फॉर्मूला भी देखिए, एस इज इक्वल टू एफ रेस्ट टू द पावर 5/3 डिवाइड बाय 33/40 क्यू रेस्ट टू द पावर 1/6। अब ये फॉर्मूले आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह सुबह प्राणायाम, सुबह सुबह आप इसको नहीं पढ़ोगे तो 101% आप भूल जाओगे। अगर आपकी ऑफलाइन एग्जाम हुई तो आपके पास बेंच तो है, लेकिन आपकी गेट एग्जाम जो है ऑनलाइन है, वहां पे आपके पास ना बेंच है, ना हाथ है, ना पैर है, ना कुछ है, बट दिस फॉर्मूला इज हैविंग देयर, तो वहां पे ये फॉर्मूला रहने वाला है। सो दैट्स व्हाई मस्ट रट्टा दिस फॉर्मूला, आपको रट्टा करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। ओके क्यू क्यू यहां से निकल गया, डिस्चार्ज यहां पर निकल गया, देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो v इट इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ स्क्वायर डिवाइड बाय 1/6। आपका क्या निकल गया गाइस, वेलोसिटी निकल गया। अब एरिया इज इक्वल टू क्यू बाय वी, क्यू बाय ई से एरिया रिक्वायर्ड निकल गया। अब एरिया रिक्वायर्ड से एरिया इट इज इक्वल टू, आपको पता है कि b प्लस जेड इन ब्रैकेट b प्लस जेड इंटू डी इंटू डी, ये आपको पता है, एरिया तो आपको पता है। अब इन टर्म्स ऑफ बी एंड डी आपका एक इक्वेशन यहाँ पे निकल जाएगा। ओके इन टर्म्स ऑफ बी एंड डी आपका एक इक्वेशन यहाँ पे निकल गया। पेरीमीटर का भी एक है, एक आपका बी एंड डी से निकल जाएगा। जेड आपको नहीं भी देके रहा तो भी जेड आपका क्या पकड़ना है, 0.5 ही पकड़ना है अलवेज। हाफ हॉरिजेंटल वन वर्टिकल, दैट इज द रूल फॉर कैनल, हाफ हॉरिजेंटल वन वर्टिकल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हाफ हॉरिजेंटल वन वर्टिकल। ये मैंने पहले स्टार्टिंग में ही डिजाइन ऑफ कैनल स्टार्ट किया था, तभी मैंने बताया था। तो हाफ हॉरिजेंटल यानी z इज इक्वल टू हाफ। ओके सो दैट्स व्हाई आपको ये हाफ हॉरिजेंटल लेना ही है हर बार। हाफ हॉरिजेंटल यहाँ पे भी ले लिया, इन टर्म्स ऑफ b एंड d आपका यहाँ पे एक इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, वी हैव टू अननोन्स, टू इक्वेशंस, गेट टू वैल्यूज, खत्म। क्वेश्चंस, क्वेश्चन इज ओवर, बी डी मिल गया। अब आर तो निकाल ही सकते हैं, ए बाई पी, चाहे ऐसी निकालो चाहे ऐसी निकालो, कैसी भी खाओ, आर क्या वैल्यू आपको इस तरह निकालना है, इस तरह निकालो, इस तरह निकालना है, इस तरह निकालो, बोथ आर द सेम। ओके बोथ आर द सेम, ये सेम है, ये 5 का ये 90 यानी 0.965 है, यहाँ पे 0.960 है, तो वी कैन टेक बोथ, सेम है दोनों, दोनों भी आप कोई भी एक ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या, डिजाइन इजी है क्या, इट्स इजी और ओके। सो अपन की नहीं है, अभी आपका एक आधी लेते हैं, आपका यानी सेम मेथड से सर FM2 में सॉल्व किया था हमने। FM2 ना, FM2 मध्ये लेसिस थ्योरी कुठे होता, नहीं सर जो ये मेथड बता रहे पी ये एरिया निकाल एरिया फिर चैनल ना ओपन चैनल, हाँ ट्रेपेजॉइडल और रेक्टेंगुलर, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने सॉल्व किया ही है, ये नहीं किया इसी में बोल ही नहीं रहा, आपने सॉल्व किया 100% किया। ओके एक मिनट, आपके पेपर्स कहाँ पे रखे, मैंने पेपर्स भी अपलोड करना है मुझे, तो भी सर एक क्वेश्चन बता दो सर, ऐसी
बोर्ड हाँ वही ले लेते ना, अपन अपना क्वेश्चन एक ले लेते, वन मिनट दो मुझे, मुझे मैंने पेपर ये लैपटॉप में मैंने पेपर कहाँ पे रखे मुझे याद नहीं है। ऐप पे डाल दो ना पेपर, क्या ऐप अपनी ऐप है ना, सर ऐप लाइब्रेरी में में। भेज दो सर वो ऐप पेपर्स। मध्ये टाकतो रे बाबा, आज ऐप वाला मजा आता, ऐप मध्ये सगळंच राहील आता, तुला कुठेच जायची गरज नाही आहे, तू सगळं ऐप मध्ये बघशील आता। ओके पेपर्स पण बघशील, तुला दाखवतो मी माझे बुक्स पण बघशील, तू बुक्स पण भरपूर सारे बुक्स राहील, तुम्हाला दुसरीकडे कुठेच ई बुक वगैरे डाउनलोड करायची गरज नाही आहे, आपल्या ब्रांच मध्ये म्हणजे जे काही बॅच आहे त्या बॅच मध्ये जाल, तिथेच तुम्हाला भरपूर सारे तुमच्या म्हणजे आरसीसी आहे तर आरसीसी पूर्णचे पूर्ण बुक्स दिसणार, तिथे तुम्हाला फ्रीली अवेलेबल नाही राहणार, ज्यांनी लावलेले आहेत त्यांच्यासाठी बुक्स राहणार फ्री मध्ये, मी ते भरपूर सारे टाकलेले आहे आता नोट्स, तुम्ही पाहिले असेल मे बी मटेरियल, तर नाही पाहिलं असेल तर बघून घ्याल, त्याच्यामध्ये एमपीएससी चे प्रीवियस नोट्स वगैरे सगळं आहे, भरपूर आहे आपल्याकडे डाटा टाकण्यासाठी, 1.5-2 GB तुमचं खतम होऊन जाईल। पाहिलं सर ते आयएएस वगैरे नोट्स टाकले खूप सारे, हा आयएएस मार्शल वगैरे आहे ना, आयएएस मार्शलचे नोट्स टाकले ना। हाँ ये देवा, एक मिनट, यहाँ पे नहीं है लेकिन अपने ड्राइव पे है, ड्राइव मिल गया। रिसेंट ईयर का ही ले लेते हैं, नहीं आपको पता चल जाता। ओके 1 मिनट, दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर विंटर 17, सॉरी विंटर 19 है पेपर, पेपर विंटर 19 क्वेश्चन नंबर 7B, 8 मार्क्स। अब तो ये तो केनेडी से पूछा है यार, एक मिनट, प्लेसिस से नहीं है ये, केनेडीज से, केनेडीज का भी वहां पे देख लेते हैं अपन, ये ट्रायल एंड एरर बेसिस है, ट्रायल एंड एरर बेसिस, यहाँ पे लेसिस वाला है, पहले लेसिस वाला कर लेते हैं, ओके देन केनेडीज वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8B, डिस्चार्ज देखे सेल फैक्टर देखे, ओके डिस्चार्ज देखे और सेल फैक्टर देखे, बाकी सब निकालना है, इट इज ऑल्सो इजी। अब डिस्चार्ज दे के रहा या फिर एस दे के रहा, उससे तो अपन दोनों निकाल सकते हैं। ओके सो पहले ये देख लेते, देन हम कैनेडीज का भी देखते, कैनेडीज का भी देख के कैनेडीज का भी मैं आपको एक करके देता, ये क्वेश्चन आप लिख लो, क्वेश्चन आप लिख लो। कैनेडीज बहुत बड़ा है, यानी 1 घंटा भी लग सकता है उसको, एरर एंड ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी बैड, देखते सामने। ओके सो क्या बोला है, समर, समर नहीं विंटर 19,
विंटर 19 गोंडवाना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नंबर 8 बी 8 मार्क्स ओके सो डिस्चार्ज इज 20 एंड सेल फैक्टर इज 1 ओके सेल फैक्टर देखिए और डिस्चार्ज देखिए देखो मैं बंद कर रहा हूं बोर्ड पे देखो ओके बोर्ड पे देखो Q it is equals to 20 meter cube per second and F it is equals to 1. अब भाई अगर आपको मीन डायमीटर अगर नहीं देके है तो डायरेक्टली 1 ले ही लेना अगर देके भी नहीं है F. अगर मीन डायमीटर देके then 1.76 under root of D. 1.76 under root of D आप ले लो. So F it is equals to 1 देके एंड दिस इज ऑल्सो गिवन देखिए तो अभी मुझे क्या क्या निकालूंगा एक 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 निकालूंगा सभी सभी पैरामीटर्स खत्म है यही डिजाइन है ओके ये फॉर्मूले है यहाँ पे पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू वाला ही पार्ट है फर्स्ट सॉल्यूशन ओके फर्स्ट इट इज लॉन्गिट्यूडनल स्लोप निकालूंगा पहले हाइड्रोलिक मिंडत नहीं निकालूंगा डायरेक्ट वी गो फॉर द क्योंकि अपने पास वी नहीं है वी डोंट नो द वी ओके एरिया से वी निकल जाएगा So, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दैट एस लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दैट इज एस एस इट इज नथिंग बट एफ रेस्ट टू द पावर 5/3 वन रेस्ट टू द पावर 5/3 इज नथिंग बट अ वन 3340 इंटू 20 रेस्ट टू द पावर 1/6 आप बोलेंगे सर 1/6 कैसे लेंगे गेट में गेट में मैं इसकी बात नहीं कर रहा एसी में तो डायरेक्ट ले सकते लॉग लेंगे सर हाँ लॉग लेंगे लॉग लॉग 6 लोगे लॉग 6 लोगे क्या नहीं सर लॉग लेंगे आगे में 1/6 आगे जाएगा ना अच्छा 1/6 आके जाएगा अगर लॉग लेंगे तो यानी 6 लॉग 20 ऐसे लोगे 1/6 लॉग 20 1/6 लॉग 20 लोगे ओके ओके वैसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं वो भी एक मेथड है और अब यहाँ पे मैंने क्यू नहीं लिखा क्यू इट इज इक्वल टू क्योंकि ये 1 रेस्ट टू द पावर 5/3 एंड 3/3 वहां पे रेस्ट टू द पावर वाला भी ऑप्शन है आपके एक आए पे गेट कैलकुलेटर में तो आप 1 डिवाइड बाय करोगे डिवाइड बाय में ब्रैकेट दोगे ब्रैकेट देने के बाद फिर से आप ब्रैकेट दोगे ब्रैकेट दे देने के बाद आप ये वाला ऑप्शन आया आपके पास रेस्ट टू द पावर वाला अगेन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 6 आप कर दोगे ओके 1 डिवाइड बाय 6 आप कर दोगे ओके तो सॉल्व हो जाएगा How much S? How much S, guys? 1.81 into 10^-4 1.817 10^-4 1/4 Yes, 1/ answer. 1/ answer. I want value in 1 in. One by answer. How much? One by नहीं होता है सर. One by नहीं होता है. जी आंसर है 1.8. 5/2, 4.86. 5/502.81. Okay. Next. सेकंड वैल्यू अब आपके पास एस तो निकल गया अब आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं और आप एरिया भी निकाल सकते हैं हाउ द एरिया एरिया इट इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका पेरीमीटर अगर आपका निकल गया पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला तो पेरीमीटर से आप एरिया के लिए जा सकते हैं ओके सो फर्स्ट इट इज पेरीमीटर फर्स्ट इट इज पेरीमीटर पी इट इज इक्वल टू 4.75 अंडर रूट ऑफ 20
हाउ मच ट्वेंटी वन पॉइंट टू फोर मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर एंड देन नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू अब आपके पास पेरीमीटर आ गया अब आपके पास आप वेलोसिटी भी यहां से निकाल सकते हैं और वेलोसिटी से आर भी निकाल सकते हैं और आर और इससे आप बी और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं देन वी गो फॉर द एरिया आल्सो ओके सो वेलोसिटी ऑफ फ्लो वी इज इक्वल्स टू क्यू एफ स्क्वायर टू द 140 raised to the power 1 by 6. It is equal to Q 20 into 1 square divided by 140 raised to the power 1 by 6. How much? जीरो पॉइंट सेवन टू मीटर पर सेकेंड सो आर जीरो पॉइंट सेवन टू स्क्वायर टू द वन दैट इज आर वन पॉइंट थ्री मीटर दैट इज नथिंग बट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फोर अब मुझे यह पता है कि डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी इज नथिंग बट एरिया अब मेरे पास तीन चार इक्वेशंस है बी और डी निकालने के लिए ओके सो मैं कैसे भी जा सकता फ्रीडम है मेरे पास मुझे यह पता है कि एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी Discharge is equals to 20. Velocity is equals to 20. 0.72. How much? 27.78. Meter square. So, area it is equals to. Provide a trapezoidal section one vertical 0.5 horizontal side slope Okay, side slope, one vertical, 0.5 horizontal. Okay, that is nothing but a Z or M बोल सकते हैं आप, Z बोल सकते हैं। सर थोड़ा blur दिशा था ऐसा। Blur है? हाँ, बाकी चलने में तो मला दिशा था ऐसा। हाँ सर। Blur है? नहीं सर clear है। हल्का blur है सर एकदम में। हल्का blur है सर। हल्का ब्लर आहे का एक मिनिट थांब आतापर्यंत का नाही सांगितलं रे वा आता सांग ब्लरच आहे सर आणखी थोडं रिजॉईन कर बाबा तू क्लिअर आहे ना महेंद्र क्लिअर आहे सर हो सर ओके रिजॉईन कर जिसको भी ब्लर आ रहा है अगर दो तीन लोगों को आ रहा होगा तो मैं रिज्वाइन करता मेरे तरफ से भी प्रॉब्लम रह सकता हाँ सर एक बार ब्लर है मतलब ब्लर है सर मैं भी रिज्वाइन कर लेता कोई दिक्कत नहीं है वन मिनट
बाहुबली अभी क्लियर है सर, क्लियर है सर, आता है सर क्लियर। ओके सो रह सकता है ऐसी प्रॉब्लम, दो तीन जनों को रहा तो बता दे जो मैं रिजॉइन करते जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एरिया, एरिया का फॉर्मूला इट इज इक्वल टू, अब एरिया का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो भी देख लो, देख ही लेते अपन। दैट इज बी, ओके दैट इज नथिंग बट टॉप विड्थ टी। ओके अब टी इट इज इक्वल टू जब हम लेके जाएंगे तब दैट इज नथिंग बट जेड इन टू डी, दैट नथिंग बट डेप्थ। अब y भी बोल सकते हैं आप, वी कैन से ऑल्सो y। ओके क्योंकि d आपका हाइड्रोलिक मेन डेप्थ, हाइड्रोलिक डेप्थ d अलग होता है, सो दैट्स व्हाई आप y भी बोल सकते हैं, वी कैन से y ऑल्सो, ओके वी कैन से y ऑल्सो, d भी बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं। ओके सो z इंटू y, तो 0.5 z इंटू y, 0.5 z रहेगा, 0.5 z into y, तो आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा और यहां पे भी 0.5 z into y, ओके 0.5 z into y, तो प्लस दिस b, दैट इज नथिंग बट अ टी, टी इज इक्वल टू 0.5 z y प्लस b प्लस 0.5 z y, it's nothing but a z y plus b, and नीचे का तो b है, तो area it is equal to क्या होता है trapezoidal का, t plus b, t ऊपर का top width plus b divided by 2 into y, so that is nothing but t, it is nothing but z y plus b into y divided by ओके जेड वाई प्लस बी, हाँ प्लस अगेन बी प्लस बी इंटू वाई इंटू वायो, पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव नहीं लिखना पड़ेगा सॉरी, 0.5 जेड की वैल्यू है, दैट जेड एंड दैट जेड, जेड वाई जेड वाई जेड वाई जेड वाई, तो यहाँ पे 2 जेड वाई हो जाएगा, यानी जेड वाई प्लस जेड वाई, फिर से लिखता मैं जेड वाई प्लस बी प्लस जेड वाई, दैट इज नथिंग बट टू जेड वाई प्लस बी, ओके टू जेड वाई प्लस बी, दैट इज टॉप विड्थ। सो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया इट इज इक्वल टू टू जेड वाई प्लस बी प्लस अगेन बी, ये आपका टी हो गया, देन बी देन वाई डिवाइड बाय टू, so 2zy plus 2b divided by 2 divided by 2 into y, 2 2 get cancelled, 2 2 get cancelled, that area it is equals to, area it is equals to zy plus b into y, that is nothing but z into d plus b into y, okay next what is area, now area it is equals to, ab z is equals to 0.5 y plus b into y, that area 27.78, okay 27.78, so in terms of y aapka ek b aapka yahan pe bhi nikal jayega, ye bhi aapka ek nikal sakta, ओके इस तरह आप लिख सकते हैं इसको। सो बी वाई इट इज इक्वल टू गाइस, बी वाई इट इज इक्वल टू स्क्वायर में हो गया, बी वाई इट इज इक्वल टू, मैं आप एक वैल्यू कर सकते बी इंटू वाई इट इज इक्वल टू, या फिर ऐसे भी रख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई, क्योंकि आपको बी तो नहीं पता। सो नेक्स्ट
नेक्स्ट पेरीमीटर के इसमें भी आप डाल सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज इक्वल टू 25। दैट पेरीमीटर दैट बी प्लस टू इंक्लाइन साइड्स, टू इंक्लाइन साइड्स इज इक्वल टू y square plus 0.5 square. A 0.5 square and a z square. That y, that 0.5, that z square. Z, it is nothing but a 0.5. Okay. So, what is this? Why ne honar gati? Huh? Y bahar nikna raha, 1 minute. So, b plus 2 into y under. Honar, 1 minute. वाय बाहर निकनार, ये आपका ये है, ये जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाय बाहर निकल गया, वाई स्क्वायर ही बाहर निकल गया, तो जेड स्क्वायर प्लस वन, इट्स नथिंग बट जेड इज नथिंग बट 0.5 स्क्वायर प्लस वन. What is this? That side. क्योंकि ये z into y है, इसका square plus इसका square, y square. Okay. So y square common निकल गया, बाहर निकल गया वाय. बचा z. Z is nothing but 0.5. Z is nothing but 0.5 plus 1. 1 का square 1 ही रहेगा ना. So that's why 1. So कितना निकलता guys? ये under root. ये side है, ये side. That P it is equals to 1.12 under root में 1.12 ना, या total 1.12 under root के साथ y into 1.1 okay, y into 1.12 y into 1.12 and 1.12 y, that is side. Okay, 1.12 y, that is inclined side. Okay, ये inclined side आपकी y into 1.12 y, and 1.12 y inclined side है. Okay, so perimeter is equals to twice of inclined side plus b. Okay, तो ये आपका second equation बन गया. We have two equations, two unknowns. That is first equation. That is second equation. बताओ, what is B and what is Y? Plus minus B कर सकते आप, लेकिन वहां पे बोलेंगे सर आप Y square है, Y square को कैसे करेंगे? वहां पे B भी अलग है, B भी है. इन टर्म्स ऑफ y यहां पे b निकल सकता ना, b इज इक्वल टू 21.24 माइनस 2.24 y, पुट इन इक्वेशन वन. वी गेट अ y. इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं सर. ओके, हाउ मच वाई गाइस? वाई यहां पे पुट कर दिया,
इन टर्म्स ऑफ बी, बी की इसमें वाई पुट कर दो, यानी 27.78 इट इज इक्वल्स टू 0.5 वाई स्क्वायर प्लस बी इनटू 21.24 माइनस 2.24 इनटू वाई, वाई इनटू, क्योंकि बी के टर्म्स में पुट कर दिया मैंने तो वाई इनटू हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट अ बी. What is y? 1.5 आ रहा है सर. ओके 1.5. सो दैट इज 1.5 मीटर डिजाइन. अब यहां से आपको पेरीमीटर भी पता है, आपको एरिया भी पता है. अब b निकालो, b कितना है, यहां पे डाल दो ये वाले इक्वेशन में. That is nothing but a 17.88. मीटर. ओके अब इंक्लाइन स्लाइड साइड्स वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं, फिर टॉप विड्थ भी निकाल सकते हैं, टीवी निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 2 × 0.5 × y 1.5 + 17.88. ये तो कैंसिल हो जाता, ये बचता बस 19.38 ना. That is meter top width 19.38, नीचे का 17.88. तो ये आपका original shape जो है, just like this. The t it is equals to 19.83 meter. Y it is equals to which y? Y it is equals to 1.5. ओके साइड स्लोप भी निकालना है, साइड स्लोप भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो जरूरत ही नहीं है साइड स्लोप आपको वहां पे दिखाने की, ये आपको लास्ट आंसर दिखाना है. यहां पे आपका डिजाइन खत्म हो गया, 8 marks ओवर. ओके केनेडीज कल देखते हैं, केनेडीज के लिए पूरा लेक्चर लगता. अब आप लेसिस के लिए यहाँ पे यहाँ तक आपने देख लिया, ट्रायल एंड एरर्स कितना लगेगा आपको समझ लो, ट्रायल एंड एरर्स है वहाँ पे, तो उसके लिए एक लेक्चर लगता है, यानी एक पूरा का पूरा आर जाता है उसमें. ओके कोई डाउट इसमें, एनी डाउट, कहीं पे नहीं समझा होगा आपको सर? यामध्ये पण वेटेड एरिया आणि पेरिमीटर घेतो का? वेटेड एरिया वरच आपला पेरिमीटर आहे, येस एक्झॅक्टली, वेटेड एरिया वरच पेरिमीटर आहे, काही वेगळं नाही आहे त्यामध्ये. एरिया म्हणजेच काय काढतोय तू, तू सेक्शनचा एरिया नाही, वेटेडच एरिया काढतोय, म्हणजे तुझा हा हाच राहील, हाच एरिया राहील तुझा, म्हणजे हाच पेरिमीटर राहील आणि वेटेड एरिया पण राहणार, वेटेड पेरिमीटर आणि वेटेडच राहणार. ओके सो दॅट्स वाय डेप्थ इट इज नथिंग बट वाय सरफेस वॉटर सरफेस वाय वाय वॉटर सरफेस तक ही है ते बॉटम पासून डेप बॉटम पासून घेतलेली आहे. बॉटम पासून डेप्थ घेतलेली आहे. ओके यहां पे भी तुमको अगर डी निकालना है, हाइड्रोलिक डेप्थ निकालनी है, दैट डी इट इज नथिंग बट हाइड्रोलिक डेप्थ, दैट इज नथिंग बट ए बाय टी, आप निकाल सकते हैं. ओके ए बाय टी आप निकाल सकते हो. ओके वेटेडच राहणार, इथेही वेटेड राहणार आणि आपल्या इथे पण एफ एम मध्ये पण वेटेड राहणार, इथे काहीही चेंजेस नाहीये,
सेम, दोनों सेम है। वन मिनट। हाँ